आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के अकोला में चुनावी रैली की। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले पीएम की ये लगातार तीसरी रैली है। इससे पहले उन्होंने 8 नवंबर को नासिक और धुले में रैली की थी। अकोला के बाद नांदेड़ में सभा की। अकोला में पीएम ने कहा, एक बार फिर महायुति के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ। आज 9 नवंबर है, ये तारीख बहुत ऐतिहासिक है। आज के ही दिन 2019 में देश की सर्वोच्च अदालत ने राम मंदिर पर फैसला दिया था। फैसले के बाद हर धर्म के लोगों ने संवेदनशीलता का परिचय दिया, ये राष्ट्र प्रथम की भावना है। पीएम ने कहा, 2014 से 2024 तक महाराष्ट्र ने भाजपा को दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है। मेरे लिए महाराष्ट्र की सेवा का सुख ही अलग है। केंद्र में हमारी सरकार को 5 महीने हुए हैं। इन महीनों में लाखों करोड़ों रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसमें से ज़्यादातर महाराष्ट्र में है। पीएम मोदी ने 8 नवंबर की रैली में नासिक में कहा, कांग्रेस पर सावरकर और बाला साहेब ठाकरे के अपमान का आरोप लगाया था। पीएम ने कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा में एक शब्द नहीं निकलता है। 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में भाजपा इस बार कम सीटों पर लड़ रही है। भाजपा ने पिछली बार 164 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, इस बार 16 उम्मीदवार कम उतारे हैं। भाजपा ने 148, शिंदे गुट ने 80, अजीत गुट ने 53 उम्मीदवार उतारे हैं। शिवसेना और एनसीपी में बंटवारे के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। पिछले चुनाव में शिवसेना और एनसीपी 124-124 सीटों पर लड़ी थी। इन सब के अलावा इस बार महायुति ने 5 सीटें सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ी है। इसी के साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।